गुजरात चुनाव की तस्वीर पूरी तरह से साफ हो गई है और इसी के साथ ये साफ हो गया है कि गुजरात में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। और ये जीत इस मायने में भी खास है क्योंकि 2001 से 2014 तक मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी इस आंकड़े के आसपास भी नहीं पहुंच सके थे। तो आखिर वो कौन सी वजहें हैं जिन्होंने गुजरात में बीजेपी को इतनी बड़ी जीत दिला दी कि आज तक के इतिहास में किसी पार्टी को कभी इतनी सीटें नहीं मिली, आज बात इसी मुद्दे पर। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। गुजरात की राजनीति में सबसे बड़ी जीत दर्ज है कांग्रेस के मुख्यमंत्री माधव सिंह सोलंकी के नाम। 1985 में हुए विधानसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस को कुल 149 सीटें दिलवाई थी और वोट परसेंट भी 55% से ज्यादा था। गुजरात में दूसरी सबसे बड़ी जीत का सेहरा भी माधव सिंह सोलंकी के नाम पर ही बंधा है जो 1980 में हासिल हुआ था। उस चुनाव में भी माधव सिंह सोलंकी ने कुल 141 सीटों पर जीत दर्ज की थी और इसकी वजह बना था माधव सिंह सोलंकी का खाम फॉर्मूला, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के वोट बैंक के तौर पर क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी और मुस्लिमों को जोड़ा था। वहीं बात अगर बीजेपी की करें तो बीजेपी को सबसे बड़ी जीत मिली थी साल 2002 में। गुजरात के गोधरा में हुए दंगे के बाद हुए चुनाव में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को कुल 127 सीटें मिली थी और पिछले 27 साल के बीजेपी के कार्यकाल में ये सबसे बड़ी जीत थी। लेकिन अब 2022 के विधानसभा चुनाव में सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं, तो स्वाभाविक है कि कुछ तो वजहें हैं जिन्होंने बीजेपी को इस कदर जीत दिलाई है कि सामने कोई बचा ही नहीं है। तो चलिए एक एक करके उन वजहों की तफ्तीश करते हैं। पहली वजह, पीएम मोदी का टीना फैक्टर। कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे माधव सिंह सोलंकी ने खाम फैक्टर के जरिए जीत दर्ज की तो गुजरात में बीजेपी के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल को टीना फैक्टर ने इतनी बड़ी जीत दिलाई है जिसका इजाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। इस टीना का फुल फॉर्म है देयर इज नो अल्टरनेटिव। पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी के नेताओं ने गुजरात में यह माहौल बना दिया कि गुजरात की जनता के सामने बीजेपी का कोई विकल्प ही नहीं है और 27 साल के इतिहास को दोहराते हुए बीजेपी ने अपनी बात कुछ यूं रखी कि गुजरात की जनता ने एकतरफा बीजेपी के सामने वोटों की बारिश कर दी। मुख्यमंत्री बदल निकाल दी एंटी इनकम्बेंसी की हवा। गुजरात में बीजेपी करीब 27 साल से काबिज है और जाहिर है कि कोई पार्टी इतने लंबे समय तक सत्ता में है तो उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी तो होगी ही। बीजेपी के आला कमान ने वक्त रहते इसको भांप लिया और फिर इतना बड़ा रिस्क लिया जो आज तक के इतिहास में कभी नहीं लिया गया। गुजरात चुनाव की घोषणा से कुछ महीने पहले बीजेपी ने गुजरात में मुख्यमंत्री के साथ ही सारे मंत्रियों को एक झटके में बदल दिया। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को हटा दिया गया, भूपेंद्र भाई पटेल को मुख्यमंत्री बनाया गया और फिर नए नेताओं के साथ पूरी कैबिनेट का गठन हुआ जिसमें एक भी पुराना मंत्री नहीं था। जनता को संदेश दिया गया कि पुराने नेताओं को भूल जाइए, नए लोगों को मौका दिया गया है, आप भी दीजिए, वो काम करके दिखाएंगे। रही सही कसर टिकट बंटवारे में पूरी की गई और करीब 40 सिटिंग विधायकों के टिकट काट दिए गए। वैसे साफ था कि जनता ने नए नेताओं को मौका दिया जिसने बीजेपी को ऐतिहासिक जीत दिला दी। प्रचार की कमान मोदी के पास, चाणक्य बने अमित शाह। गुजरात की जनता के मन में इस बात को ठीक ढंग से बिठाया गया कि गुजरात के ही दो नेता नरेंद्र मोदी और अमित शाह फिलहाल भारत की दो सबसे ऊंची कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, एक प्रधानमंत्री हैं तो दूसरे गृह मंत्री। इसके बावजूद इन दोनों ही नेताओं ने गुजरात में खुद को झोंक दिया। गुजरात में प्रचार की कमान खुद नरेंद्र मोदी ने संभाली, 182 सीटों के लिए कुल 31 रैलियां की, 3 बड़े रोड शो किए, टिकट बंटवारे से लेकर बूथ मैनेजमेंट का काम खुद अमित शाह ने अपने हाथ में लिया। मोरबी में हादसा हुआ तो सिटिंग विधायक और सरकार के मंत्री ब्रजेश मिर्जा का टिकट काटकर कांति अमृतिया को दे दिया, जिन्होंने नदी में डूब रहे लोगों की जान बचाई थी। नतीजा यह हुआ कि जनता का बीजेपी पर भरोसा बना रहा और नतीजों में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली। अहमद पटेल की गैर मौजूदगी में बिखरी कांग्रेस। गुजरात में कांग्रेस की फूट का सीधा फायदा बीजेपी को हुआ। 2017 के चुनाव में खुद राहुल गांधी ने गुजरात में दिलचस्पी ली थी और तब मजबूरी में ही कांग्रेस के तमाम नेताओं को राहुल के साथ आना पड़ा था, चाहे वो बात शक्ति सिंह गोहिल की हो या फिर भरत सिंह सोलंकी की, जो एक दूसरे के विपरीत खेमे के हैं, लेकिन वो साथ आए। बाकी अहमद पटेल थे ही जिन्होंने कांग्रेस को संगठन के तौर पर मजबूती दी, लेकिन इस चुनाव में राहुल गांधी भारत जोड़ने चले गए, गुजरात आए भी तो 2 दिन के लिए। नतीजा यह हुआ कि शक्ति सिंह गोहिल और भरत सिंह सोलंकी के बीच खींचतान चलती ही रही। रही सही कसर पूरी हो गई अहमद पटेल की गैर मौजूदगी की वजह से, जिनका नवंबर 2020 में ही निधन हो गया था। आपकी एंट्री ने बना दिए सारे समीकरण।
2022 का गुजरात चुनाव इस मायने में भी अलग था क्योंकि इस बार बीजेपी और कांग्रेस के अलावा एक तीसरी पार्टी भी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रही थी और ये पार्टी थी आम आदमी पार्टी। इस पार्टी ने सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस का किया क्योंकि कांग्रेस का वोटर पिछले 27 साल से अपनी पार्टी की सत्ता में वापसी की राह देख रहा था और जब उसे एक नई पार्टी मिली तो वो आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया। नतीजा कांग्रेस के वोट दो हिस्सों में बंट गए। वोट प्रतिशत के हिसाब से भले ही कांग्रेस को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ हो लेकिन वोट बंटने का सीधा फायदा बीजेपी को मिला और उसने चुनाव में वो ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर लिया जो गुजरात की राजनीति के 60 साल के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। तो अभी के लिए बस इतना है। गुजरात और हिमाचल चुनाव के नतीजों और उसके विश्लेषण के लिए देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।